नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुपेश। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चार राज्यों की चार सीटों पर उपचुनावों का जो ऐलान है, तारीखों का जो ऐलान है वो यहां पर कर दिया गया है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को वोटिंग होगी तो वहीं 27 सितंबर को वोटिंग की काउंटिंग होगी। तो इलेक्शन कमीशन ने आज ही इन तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें आपको बता दें कि यूपी की हमीरपुर सीट है, त्रिपुरा की बाधरघाट सीट है, साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा और केरल की पाला सीट पर चुनाव का ऐलान यहाँ पर किया गया है। तो हत्या के आरोप में विधायक की जेल जाने पर हमीरपुर की जो सीट है वो यहाँ पर खाली हुई। सजा के बाद अशोक चंदेल की विधानसभा सदस्यता जो है वो रद्द की गई थी। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा सीट की यहाँ पर बात कर ले तो दंतेवाड़ा सीट से विधायक भीमा मंडावी नक्सली हमले में मारे गए थे जब वो लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहे थे, प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे, तो इसी दौरान एक नक्सली हमले में वो मारे गए थे, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। लेकिन अब इन चारों सीटों की बात करें तो उपचुनावों की तारीखों का ऐलान यहाँ पर किया गया है। 23 सितंबर को वोटिंग इन चारों सीटों पर होगी और 27 सितंबर को यहां पर काउंटिंग होगी। तो हालांकि इससे पहले ही जब ये सीटें खाली हुई थी तभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन अब जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने यहां पर तारीखों का ऐलान किया है तो पार्टियों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए और भी जोर आजमाइश यहां पर तेज कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।